टॉपिक 2.4 बोर्ड्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज जब तुम 12th क्लास में जाओगे, यही सब टॉपिक तुम्हें फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा, एटम वाला चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, इसी टाइम में तुम चाहते हो तो 12th क्लास के 3 चैप्टर है, दैट इज 12 नेचर ऑफ मैटर, एटम एंड न्यूक्लियाई। ये जो 3 टॉपिक है ना, इसको भी साथ साथ तुम पढ़ लोगे तो तुम्हारा बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा और 12th क्लास का भी थोड़ा लोड कम हो जाएंगे। और यहाँ पे जो जो वैल्यूज दिया है तो वो सब प्रूफ भी हो जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे मैंने मिलिकॉन ऑयल लॉब एक्सपेरिमेंट था उसके जो 12th क्लास के न्यूमेरिकल कराया था ना, फिर मिलिकॉन ऑयल लॉब एक्सपेरिमेंट का एज वेल एज जो थॉमसन मॉडल वाला, तो वो जो कराए थे सेम टाइप इसमें भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बेटा ध्यान देना। नील्स बोर वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स। तो क्या है क्वांटिटेटिवली, ध्यान रखिएगा, बिकॉज उसकी जो थ्योरी था, जो अब मॉडर्न जो क्वांटम मैकेनिक्स उसको सपोर्ट नहीं करते थे, जिसे बोला था कि हाँ 2 8 1 है तो है, लेकिन कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट है वो नहीं बताया। क्वांटिटी बता, लेकिन जो 2 है कहाँ पे है, किस तरीका से है इलेक्ट्रॉनों नहीं बताया। जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। तो जो एसर्शन रीजनिंग में, ट्रू फॉल्स में, सब जगह पर ध्यान रखना। एक्सप्लेन क्वांटिटिवली द जनरल फीचर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो होमवर्क 1, यहाँ से 1 शुरू कर रहे हैं। तो नील्स बोर वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन क्वांटिटेटिवली द जनरल फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इट्स स्पेक्ट्रम। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स का ले लो। नील्स बोर वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन डैश द जनरल फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड स्पेक्ट्रम। तो क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिव नहीं, कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता। ही यूज्ड ब्लैंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ई इक्वल टू एच न्यू वाले कॉन्सेप्ट उसने यूज किया था। दो द थ्योरी इज नॉट द मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स, इट कैन स्टिल बी यूज्ड। देखो लिखा है ना, इट कैन स्टिल बी यूज टू रैशनलाइज मैनी पॉइंट्स ऑफ इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रा। बोर्ड्स मॉडल क्या था, उसके जो पोस्टुलेट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी है। नंबर 1 पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। क्या बेटा, फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। ओके, रदरफोर्ड ने लेकिन ये नहीं बताया था, फिक्स्ड वाला बात नहीं बताया था ना। दिस पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। देखो 3 वर्ड है, तो यहाँ से भी होमवर्क 2 लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। होमवर्क 2 मतलब इस जगह से कोई एक सेट कर लेना। क्या फर्स्ट क्या था, द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी, दैट्स वाई दिस इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट। दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर 3 सब पॉइंट्स है, फिक्स रेडियस, फिक्स एनर्जी, नाम उसकी ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट और अलाउड एनर्जी स्टेट, और दिस ऑर्बिट्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, बहुत बढ़िया, होमवर्क 2 हो गया। सेकेंड पॉइंट, एक एक पॉइंट होगा तो एक एक होमवर्क होगा। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम। देखो बोला था ना स्टेशनरी स्टेट, हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम ए लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन और एनर्जी इज एमिटेड
when electron moves from higher stationary state to the lower stationary state. Okay, जो पहले वाला equation था ना, उस equation के अंडर में बताया जा रहा है. 2.16 equation, 2.16 equations जो तुम लोग जानते हो, जिसे बोला जाता है कि एनर्जी की बात. 2.16 equation, दैट इज डेल्टा इक्वल्स टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल. ठीक है, दिस एनर्जी चेंज डज नॉट टेक प्लेस इन कॉन्टिन्यूअस मैनर. ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में नहीं होता है, बिकॉज फर्स्ट एनर्जी लेवल का कुछ एनर्जी होती है, सेकेंड का, दोनों के बीच में एनर्जी का काफ़ी डिफरेंस होते हैं. तो इट इज़ ए डिस्क्रीट वे, नॉट कॉन्टिन्यूअस मैनर. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क 3 हो गया. इसमें क्या होता है कि जब तक उसी जगह पे होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम. एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. और एनर्जी इज एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर स्टेशनरी स्टेट टू लोअर स्टेशनरी स्टेट. ओके, द एनर्जी चेंज डज नॉट टेक्स प्लेस इन ए कॉन्टिन्यूअस मैनर. ओके, 3 पॉइंट बनाए पता है, तो इसका ये बना देता हूँ, बिकॉज इसका नेक्स्ट वीडियो में एंगुलर मोमेंटम ये सब चीज़ बताएंगे. नहीं तो एंगुलर मोमेंटम टॉपिक अभी बता देता हूँ उसे. इसके बाद एक नया टॉपिक है जो थर्ड वाला पार्ट में, फोर्थ में देखोगे एंगुलर मोमेंटम बोल के एक पार्ट है. उस एंगुलर मोमेंटम जब आएगा तब हमने इस एंगुलर मोमेंटम को भी डिस्क्राइब करेंगे. पहले थर्ड वाला बता देता हूँ. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन ऑकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट दैट डिफर्ड इन एनर्जी बाय डेल्टा ई. तो अभी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ई इक्वल्स टू एच नहीं होती है. अभी यहाँ पे कौन सी वाली एनर्जी की बात होगी, यहाँ पे कौन सी वाली एनर्जी की बात होगी जो है डेल्टा ई, ई टू माइनस ई वन, हायर टू लोअर एनर्जी, उसको एच से डिवाइड कर दिया. दोनों एनर्जी डिफरेंस को डेल्टा ई बोलते हैं, उसको एच से डिवाइड कर दिया तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा. ओके, ई वन ई टू आर द एनर्जीज ऑफ द लोअर एंड हायर अलाउड एनर्जी स्टेट. द एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल. तो होमवर्क 4 क्या हुआ, बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या है, एच डब्ल्यू 4 हो गया. बोर्ड्स फ्रीक्वेंसी रूल, ठीक है बेटा. उसके बाद जैसे ही हम लोग नेक्स्ट पाएंगे फोर्थ में, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन ए गिवन स्टेशनरी स्टेट, इट कैन एक्सप्रेस एज इन इक्वेशन. उसमें कोई भी जगह पे जब होगा, कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होंगे वो ऑलवेज एच अपॉन टू पाई का कुछ मल्टीप्लायर होगा. 1 इंटू एच अपॉन टू पाई, नहीं तो 2 इंटू एच अपॉन टू पाई, नहीं तो 3 अपॉन एच इंटू टू पाई. तो बोला था ना फिक्स स्टेशनरी स्टेट, उसमें होने के लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम के ना क्या होना चाहिए, एच अपॉन टू पाई का मल्टीप्लायर होना चाहिए. अभी तुम्हारा एक डाउट होगा, अरे ये एंगुलर मोमेंटम तो मैंने कभी नहीं सुना, ये क्या होता है. ओके, उसको फिर देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. जस्ट एज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम याद है ना, जिसको बोलते हैं पी इक्वल्स टू एम इंटू वी, इसे बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी. एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया एंड द एंगुलर वेलोसिटी. बेटा लीनियर वेलोसिटी को, वेलोसिटी में जिसको मास कहते हैं उसका इक्विवेलेंट क्वांटिटी को, जब सर्कुलर मोशन होता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहते हैं. और उस जगह पे तो मास का इक्विवेलेंट, लीनियर में जो मास होता है उसका इक्विवेलेंट सर्कुलर मतलब एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया होता है. ओके, यहाँ पे जैसे मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्सिया, और एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज़ द मेजर ऑफ इनर्सिया, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा होता है. फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम ई मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई इंटू ओमेगा. लीनियर में कैसे लिखते हैं, एम इंटू वी.
तो एंगुलर में क्या लिखेंगे, आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अभी तुम्हें लगेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टी। जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो जैसे हम लोग एक्स नहीं तो एस से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करते हैं। दूसरी एक बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम इंटू आर का स्क्वायर। कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मास एम है और इसका रेडियस आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम इंटू आर का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, अभी भी जो होता है एंगुलर वेलोसिटी जो होता है भी होता है आर इंटू ओमेगा। ओके, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, आई इंटू ओमेगा था, तो एम आर स्क्वायर इंटू वी अप ऑन आर, तो क्या होगा एम वी आर। जरूरत पड़ेगा तो बोर्ड में इसको डिटेल्स के डिटेल्स में बताएंगे, तब तो हमको आई का डेरिवेशन करना पड़ेगा जो तुम्हारे फिजिक्स की सेकेंड बुक में है, वी इक्वल टू आर ओमेगा का डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर, ये तो आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ पॉइंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ से होमवर्क फाइव हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, इट इज गिवन द स्टेशनरी स्टेट। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एन इंटू एच अपॉन टू पाई। ठीक है बेटा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एच अपॉन टू पाई। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे एम वी आर जो लिखा था उसमें एम ही लिखा था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी इज द वेलोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज। ओके, एंगुलर मोमेंटम इज, अच्छा बीच बीच में बेटा थोड़ा एडवेट आ जा रहा है, हमको पता नहीं कैसे करके उसको हटाते हैं। तो दस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली दोज ऑर्बिट जिसका एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाई होगा। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। रेडिएशन इज एमिटेड और ऑब्जर्व ओनली व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू अनदर। क्योंकि देखो क्या बोलते हैं, वन इंटू एच अपॉन टू पाई, टू इंटू एच अपॉन टू पाई, थ्री इंटू एच अपॉन टू पाई, वन के बाद तो 1.1 नहीं है, 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है, सीधे चला गया टू, टू के बाद चला गया थ्री, तो दैट मीन्स ये भी क्वांटाइज्ड है, ये भी डिस्क्रीट लेवल है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। देयरफॉर मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डज नॉट अप्लाई हियर, दैट इज व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से रदरफोर्ड का मॉडल में ड्रॉबैक था, तो क्यों था, बिकॉज उसने फिक्स्ड ऑर्बिट का बात बताया नहीं था, लेकिन बोर्ड्स ने बोला इस जगह पे फिक्स्ड ऑर्बिट है, स्टेशनरी स्टेट है, तो यहाँ पे तो इसने बोल दिया जो ऐसे एक स्टेशनरी स्टेट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब तक रहेंगे तब तक उसके एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। अभी इस चीज़ का डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स के बारे में, जब हम लोग पढ़ेंगे वेव्स ऑसिलेशन चैप्टर में स्टेशनरी वेव्स जो होते हैं उसके अंदर इसका डिटेल्स थ्योरी होती है। ठीक है बेटा, अभी तो तुमको इतना ही ध्यान रखना, बोर ने जो ऑर्बिट बोला था दैट वाज अ स्टेशनरी स्टेट, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने भी मूव करे उसके एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी स्टेट में होंगे तब तक उसका एनर्जी फिक्स्ड होंगे। ठीक है, द डिटेल्स रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ एनर्जीज ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स यूज बाय बोर आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है बेटा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस, मतलब बहुत ज़्यादा हायर बीएससी एमएससी इसमें बताया जाएगा। हाउएवर अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसका जो जो मतलब बात थी उसको हम लोग को ध्यान रखना है।
तो वो तो मेन पॉस्टुलेट्स का हुआ। हाउएवर अकॉर्डिंग टू बोर्स थियोरी ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड 1, 2, 3 दिस इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जिसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो होमवर्क 5 हो गया था, होमवर्क यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी यहाँ पे डज नॉट अप्लाई क्यों नहीं होती है, बिकॉज इसमें फिक्स्ड एनर्जी होती है। उसके बाद हाउएवर अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर्ड दिस इंटीग्रल नंबर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे होमवर्क 6 हो जाएगा। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल? रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट इज एक्सप्रेस्ड एट आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट और ए नॉट के वैल्यूज कितना 52.9 पिकोमीटर। ओके, हम लोग चाहते हैं तो इसको डिराइव भी कर सकते हैं, 12th क्लास के इसमें डेरिवेशन भी है। और 52.9 पिकोमीटर इसको क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस, दैट इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस उसी को क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। नॉर्मली द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज फाउंड इन द ऑर्बिट एन इक्वल्स टू वन, एज एन इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ आर विल इंक्रीज। ओके, बिकॉज एन स्क्वायर हो जाएंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाला का तो ए नॉट है तो सेकेंड वाले का 4 ए नॉट। ठीक है बेटा, इस तरीका से कितना बढ़ते चला जाएगा। एज एन इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ आर इज ऑल्सो इंक्रीज, इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन विल प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ से भी होमवर्क 7 हो गया। बोर ऑर्बिट क्या है, व्हाट इज बोर्स ऑर्बिट? नेक्स्ट जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। तो बोर्स ने दिया था EN इक्वल्स टू माइनस RH1/N2। ओके, पहले हमने बोलता ना Z²/N², लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जेड का वैल्यू 1 होता है। RH क्या होता है, रेड बॉक्स कॉन्स्टेंट, कितने वैल्यू होते हैं 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। और थोड़ी देर पहले वेब नंबर के हिसाब से भी तुम लोग रेड बॉक्स कॉन्स्टेंट पढ़े थे। द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट आर कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, जब मान लो 1 होता है तब तो बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये उनका वैल्यू कितना, −2.18 × 10⁻¹⁸ जूल। सेकेंड स्टेट का तो −0.54 × 10⁻¹⁸ जूल, इस तरीका से होगी। दैट मीन्स एक ऑर्बिट में एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पे नील्स बोर के बारे में दिया है। और फिगर 2.11 डिपिक्स द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट एंड एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एनर्जी लेवल डायग्राम। बेटा एनर्जी लेवल डायग्राम जो है फिगर जो बताया गया, देखोगे यहाँ पे तो बुक को एक साथ पूरा नहीं हो पा रहा है। 2.11 जो लेमैन बोसनबर्ग पास्चर्न जो था वो वाला। ठीक है बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम जैसे एक बार देख लोगे, देख लो 2.11 यही वाला डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, तो यहां तक होमवर्क की बात हुई। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम, तो व्हाट इज एनर्जी लेवल डायग्राम, यहाँ पे भी होमवर्क 8 आ गया। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस द एनर्जी इज टेकन एज 0, तो इन्फिनिटी में कितना होगा, 0 होगा। तो अभी इन्फिनिटी में इसका कितना हो जाएंगे, 0 होगा। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सिचुएशन इज एसोसिएटेड विद द स्टेशनरी स्टेट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड्स टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। जब इलेक्ट्रॉन एकदम इन्फिनिटी में चला जाते हैं
जब मान लो उसमें न्यूक्लियस के साथ एट्रैक्शन उसका जीरो हो जाते हैं, ओके, तब वो बोला जाता है वो इन्फिनिटी में है। और जो इन्फिनिटी में उसका एनर्जी कितना होता है, जीरो होता है। अभी देखो इसी जगह से एक चीज़ होती है, ये मान लो न्यूक्लियस है, फर्स्ट है, थर्ड है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा ऑर्बिट हो रहा है। अभी ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी में इसमें तो जीरो है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जीरो है। अभी तो हायर लेवल है, जब इधर आएगा तो एनर्जी लूज करेंगे, फिर और आएगा तो और एनर्जी लूज करेंगे, तो इसके एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं ना, जैसे -2.18 × 10⁻¹⁸ Z²/N² बोलते हैं। वही चीज़ देखोगे इस जगह पे लिखा है, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड? तो यहाँ तक हो गया, अच्छा से पढ़ लोगे इसको, फिर नेक्स्ट टॉपिक का फिर पेज का वीडियोज़ बनाएंगे।